दसवीं मुहर्रम पर शुक्रवार को महानगर के विभिन्न मोहल्लों से चौक पर स्थापित किए गए ताजियों को ढोल ताशे के साथ बड़े ही शानो शौकत के साथ लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस में चौक पर स्थापित किए गए रंग बिरंगी चिमकियों से सुसज्जित ताजिये आकर्षित कर रहे थे। बैंड बाजे ऊंट और घोड़ों से सुसज्जित जुलूस के ताजिये को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। साहबगंज पटेश्वरी मंडी के पास ताजिया दारू ने हफ्तों कड़ी मेहनत करके गेहूँ से ताजिया बनाई गई। गेहूँ से बनी ताजिया बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। जुलूस के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस के जवान जगह जगह मुस्तैद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गेहूं से बने ताजिए के ताजियेदारों ने कहा, जिसके दम पे ये तौलिया दोबारा जा सके। चलो भाई मोहम्मद अरसलान, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं दादा पर दादा से ये चलता चला आया है। ये तकरीबन 140 साल पुराना ये रिवाज है जो हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। ये मुहर्रम की चांद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसको लकड़ी का हम लोग फ्रेम पूरा तैयार करते हैं, उसके बाद पूरी इसकी कोटिंग होती है कपड़े से, उसके बाद हम लोग गेहूँ लगाते हैं, उसके बाद पूरा फिर से कोट किया जाता है कपड़े से अच्छे से, फिर इसकी बुनाई होती है। ये जो प्रक्रिया होती है ये तीसरी को होती है। ये तकरीबन पूरी रात हम लोग को करना पड़ता है, ये चौथी को कंप्लीट होती है। और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि 5 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाती है और देखने लायक हो जाती है। ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि अजूबा है, क्योंकि आप नॉर्मल गेहूँ जब बोएंगे तो वो उसको 3 से 4 दिन लगेगा अंकुरित होने में। ये सब हमारे भाई हैं और यह हमारे चचा बाबा उधर खड़े हुए हैं, सब लोगों का सहयोग रहता है तभी ये हो पाता है।
नवई को ये खुल जाती है, दसई को ये यहाँ आके रखाती है, चौक इसके अंदर है जहाँ ये बोई जाती है। साहबगंज सब्जी मंडी राहत अली, ये चूँकि हुसैन रजी अल्लाह ताला अनु की शहादत इसमें हुई है और तमाम जो है मतलब इसी उसमें जो मनाया जाता है, फातिहा होती है और रोज़ा भी रहा जाता है।